हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज का ये वीडियो लाने का मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है और सीक्वेंस क्या रहेगा आपका पढ़ने का। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। लगभग 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही कारगर साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए आप ध्यान से, पहले सिलेबस आप जान लेते हैं। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला हुआ है उनका सिलेबस जान लेते हैं। देखिए, ग्रुप डी का जो सीबीटी का सिलेबस होगा, सीबीटी वन का जो सिलेबस होगा, इसमें हालांकि इसमें एक ही पेपर होगा सीबीटी वन, उसके बाद फिजिकल होगा। देखिए सिलेबस क्या होगा सीबीटी वन का, 50 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे जीके, जीएस और जीए। मतलब जीके मतलब जनरल नॉलेज, ओल्ड जीके बोल देते हैं, जीएस जनरल साइंस, जीए जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। ठीक, यहां से तीनों पार्ट से मिला के 50 क्वेश्चन आपके बनेंगे लगभग। और मैथ के अंदर से आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के अंदर से आपके 25 क्वेश्चन, 25 ये, 25 ये और ये, तो टोटल 100 क्वेश्चन इस तरीके से आपके बन जाएंगे, 100 क्वेश्चन। और लास्ट टाइम 2018 का जिसने ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा, जिन बच्चों ने, और अपने दूसरे फ्रेंड्स से भी पेपर के बारे में बात हुई होगी कि भाई तेरा पेपर कैसा था, तेरा कैसा आया, मेरा तो ऐसा था, उसका वैसा था, तो इस बारे में क्या एक बहुत बड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अलग अलग सेट जैसे खुलते हैं, शिफ्ट वाइज एग्जाम होते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये पोर्शन है 25-25 मैथ और रीजनिंग का, कहीं कहीं शिफ्ट में ये देखने को मिलता है कि किसी शिफ्ट में मैथ रीजनिंग ज्यादा आ गया, किसी शिफ्ट में जीके जीएस जीए का पार्ट ज्यादा आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फिक्स नहीं है कि 25 क्वेश्चन मैथ से आए और 25 रीजनिंग से आए। ये रेलवे के बारे में बता रहा हूँ, एसएससी में फिक्स होता है 25 मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीके, यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है। वेरिएशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट में मैथ रीजनिंग ज्यादा हो सकता है मैथ रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आ जाएं और जीके जीएस से 40 क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आ जाएं आपके, मैथ रीजनिंग से, और 60 क्वेश्चन आपके जीके जीएस वाले पार्ट से आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, जब आपके लिए फिक्स नहीं है चीजें तो आपको क्या करना है, आपको मैथ को भी, रीजनिंग को भी, जीके जीएस और करंट अफेयर को भी, सभी को इक्वल लेके चलना है, किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं मानना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। ये तो था इसका सिलेबस। टाइम रहेगा आपका 90 मिनट का, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए 120 मिनट, 30 मिनट फालतू मिलेंगे उनको। ठीक, इसमें आपका सीबीटी क्लियर करने के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में ध्यान से सुनना मेरी बात को, बॉयज के लिए 1000 मीटर की रेस 4 मीटर 15 सेकंड में होगी, 100 मीटर वेट लेकर जाना होगा 35 किलो का 2 मिनट के अंदर, क्लियर। गर्ल्स के लिए 20 किलो का वेट लेकर जाना होगा 2 मिनट के अंदर 100 मीटर, और गर्ल्स के लिए जो 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की जो रेस होगी वो होगी 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर, क्लियर है। अब देख लेते हैं हम एनटीपीसी सीबीटी वन का सिलेबस। 90 मिनट आपका टाइमिंग होगी, जीके जीएस जीए से 40 क्वेश्चन बताए गए हैं, मैथ से 30, रीजनिंग से 30। अब देखिए वही चीज आपको यहां पर भी ध्यान रखनी है, मैथ और रीजनिंग का रेशियो जो बनता है, जो टोटल इनका वेटेज बनता है वो 60% बनता है। अब मेरी आप माने तो जरूरी नहीं कि यहां से 60 क्वेश्चन आए और जरूरी नहीं कि यहां से 40 ही क्वेश्चन आए, ऐसा हो सकता है कि 60 क्वेश्चन यहां से आ जाएं और 40 क्वेश्चन क्या हो यहां से आ जाएं, और फिर आप बाद में कहें कि सर आपने ऐसे बताया था तो हम उसी तरीके से तैयारी करके गए और हमारा नुकसान हो गया। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कोई भी सब्जेक्ट आपको कम नहीं आंकना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं। चलिए इसी में भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा, हमारा 120 मिनट का टाइम होगा, निगेटिव मार्किंग यहां भी 1/3 की होगी ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का आपका होने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि बुक्स किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे
करें, और बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर इस चीज को लेके। तो देखिए बहुत ध्यान से देखना है आपको, मेरे पास बहुत सारी बुक यहाँ पे रखी हुई है और मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि आपको किस तरह से और किसके बाद क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। और मुझे समय नहीं मिल पाता इस वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एडवाइस मुझे आपको देनी चाहिए और इस वजह से मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके, आप जैसे और अच्छे लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। देखिए बुक्स के बारे में क्या ख्याल रहेगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए बुक्स, मैं जो आपको एडवाइस दूंगा, आप पहले मैथ कर लेते हैं, मान लिया आपने मैथ का रिविजन कर लिया, आपने रीजनिंग का रिविजन कर लिया, ठीक है, आपने जनरल साइंस को भी रिविजन कर लिया, आपने जीके का भी रिविजन कर लिया। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पहले पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों का पहले कंप्लीट है सब चीजें, वो रिविजन तो जरूर करेंगे एक बार, तो पहले उन बच्चों के बारे में बात करते हैं। इसका रिविजन कर लिया, ठीक है। करंट अफेयर का तो कोई रिविजन होता ही नहीं है, इसको तो नया नया बनता रहता, करना ही पड़ेगा आपको। तो ये चीजें आपने कर ली, तो अब जो बच्चे तैयार हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं एक बार चीजों को, उनको कैसे करना है, तो देखिए करना कैसे होगा। सब चीजें हमने कर ली, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीए, जीके, चलिए मान लेते हैं कर लिया। अब आते हैं हम कि अब इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, तो प्रैक्टिस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अपना एनालाइज करें कि आप 90 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कहां किस पार्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, गलत कहां हो रहा है, मैथ में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में, जीके, जीएस या जीए में, उसी पार्ट को आपको ज्यादा वर्क करना है। फिर देखिए प्रैक्टिस करेंगे हम, और प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले, प्रैक्टिस से भी पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको लगाने हैं। इसमें क्या होगा, आपको जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर लगाइए, मैथ का प्रीवियस ईयर लगाइए और रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर लगाइए। प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं 100% गारंटी आपको देता हूं। अब देखिए बुक्स के बारे में बताता हूं आप लोग, देखिए सबसे पहले जनरल साइंस जीके के लिए घटना चक्र की ये बुक है। इस बुक में पिछले 17 सालों में रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं अपने, चाहे वो अंदर स्टाफ के हो प्रमोशन के लिए, चाहे 2014 से पहले या इसके बाद जो जो भी रेलवे ने अपने तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसके लिए, ये एक ऐसी बुक है। इसमें पिछले 17 सालों का, देखिए बुक पे लिखा हुआ है 2001 से 2017 तक, ठीक, ये पिछले साल की खरीदी हुई किताब है। और अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ले तो 2018 के जितने पेपर हुए उनमें जो क्वेश्चन आए वो भी इसमें अपडेट कर दिए गए होंगे। तो इस बुक से आपको प्रीवियस ईयर जीके जीएस का करना है तैयार, पूरी बुक को कंप्लीट कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं एनटीपीसी भी नहीं छूटेगा और ग्रुप डी भी नहीं छूटेगा, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं मैथ की, देखिए मैथ, ये रहा आपका घटना चक्र का मैथ, इसमें भी पिछले 17 सालों का 2018 की खरीदी हुई किताब है। इसको भी आप एक एक क्वेश्चन बना लीजिए, जो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है टाइप से हटके है उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इस बुक को आप कर लीजिए, बहुत ही हेल्प आपको मिलेगी। पिछले 17 सालों का दिया हुआ है, लगभग 400-350 के आसपास मिल जाएगी। बहुत बच्चों ने कहा था सर इंग्लिश में मिलेगी या हिंदी में हुई, केवल मार्केट में इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप दोनों तरीके से इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। जल्दी मतलब देर नहीं करना है, जल्दी से खरीद लीजिए, तैयारी के लिए समय आपके पास मात्र 4 महीने के आसपास ही है, ठीक, ये बुक। अब और दिखाता हूं मैं आपको, करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर के लिए स्पीडी पढ़ सकते हैं, ये पिछले साल की है, नई भी है मेरे पास, लेकिन इसी से बता देता हूं एक बार समझाने के लिए। तो इससे आप पढ़ें, रेलवे के लिए ये स्पेशल अच्छी करंट अफेयर है, पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, सारे इंपोर्टेंट चीजें शुरुआत में दी हुई है, तो स्पीडी से आप करें, 70-80 रुपए के आसपास की मार्केट से आपको मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद अब देखिए, मान लेते हैं कि आपने
बहुत डीपली पढ़ लिया चीजों को, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली समझ के एनसीईआरटी से, फिजिक्स एनसीईआरटी से पढ़ ली और बायोलॉजी। उसके बाद जब आपको फैक्ट के बारे में पता हो चुका, आपके चीजें क्लियर हैं हर चीज कैसे क्या हुआ, तो उसके बाद स्पीड, इसमें बहुत सिलेक्टेड चीजें दी हुई हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड, सारा इंपॉर्टेंट डेटा इसके अंदर है, इसको बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप में आएगा, गारंटी लेता हूं। हर चीज इसको बिल्कुल रट दीजिए, समझने के बाद इसको रटना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, इसको रट दीजिए, ठीक है। फिजिक्स बायो केमिस्ट्री छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका गारंटी लेता हूं, डेडिकेट होके पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखें, बहुत से बच्चों के पास ये किताब होगी ल्यूसेंट की, ओल्ड जीके के लिए, जनरल साइंस के लिए। जिन बच्चों ने टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, अपने नोट्स बना करके क्लियर करके पढ़े हैं एनसीईआरटी से कैसे भी किसी भी चैनल के माध्यम से, वो इस बुक को लगाएं। इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी टाइप का इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी इंक्लूड है, इसको भी बना लें, इसमें से भी बहुत कुछ आपका लग जाएगा, ठीक है। समझ आ रही ना चीज आप लोगों के, ठीक। अब हो सकता है बहुत से बच्चों के पास ये बुक हो ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट की, सभी टॉपिक थ्योरी क्लियर करने के बाद आप इस बुक को भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप इस बुक को भी लगा सकते हैं। सारी बुक अपने आप में बेस्ट है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्लियर है। चलिए, तो तरीका मैंने क्या बताया, पहले आप चीजों को समझ लें, एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड बुक या एनसीईआरटी की बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों इनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, एक बार आप बता दीजिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उस पर जाइए, वहां पर डिमांड कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो ये आपको करना है इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको सारी प्रकार की बुक बता दी कैसे क्या करना है, ठीक। पहले आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेना है चीजों को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया कैसे करना है, प्रीवियस ईयर स्पीडी लगा लीजिए, जितना ज्यादा पढ़ के आएंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, सिलेक्टेड पढ़िए, ज्यादा चक्कर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझता हूँ आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो आप वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डाउट और भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और जिन बच्चों को क्लासेस चाहिए मैथ की और, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप क्लास लेना चाहते हैं या नहीं, अगर लेना चाहते हैं तो मैं कैसे भी टाइम निकाल के कोशिश करूंगा कि आपके लिए चैप्टर्स पढ़ाऊं आगे की ओर। और देखिए, मैंने अपनी क्लासेस में एलजेब्रा करा दिया है आपको, किरण की बुक से कराया था, लगभग 300 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं एलजेब्रा, इससे बाहर नहीं जाने वाला आपका, ग्रुप डी में एनटीपीसी में। परसेंटेज मैंने आपको करा दिया है, परसेंटेज घटना चक्र की बुक से ही है, कंप्लीट करा दिया है, रेशो एंड प्रोपोर्शन भी मैंने आपको लगभग 90 से 100 के आसपास क्वेश्चन कराए हैं, कर लीजिए आप, बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक बार वीडियो को विजिट जरूर करें, पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से आपको कराऊंगा, किस तरह से पढ़ाता हूं, आप कितना सीख रहे हैं मेरे वीडियो से, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी आपकी हो आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी कंप्लेन आपकी हो आप मुझे कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्री है एकदम, आपका फायदा ही होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।